दोस्तों अगर आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आपको शायद ये नोटिस में आया होगा कि क्रिकेट ग्राउंड के बाहर, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्रिकेट ग्राउंड के बाहर क्रिकेट टीम के कोच या फिर मैनेजर या फिर फील्डिंग कोच या फिर कोई भी हाथ में एक नोटबुक थमाए हुए खड़े रहते हैं या फिर वहाँ पर बैठ के कुछ लिखते रहते हैं या फिर लैपटॉप में कुछ देखते रहते हैं या फिर टाइप भी करते रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसका आउटकम क्या है, खेल में इसका क्या असर। दोस्तों एक जब इंटरनेशनल क्रिकेट मैच आयोजित होता है उसके पीछे जो लोग होते हैं यानी टीम के मैनेजर, कोच, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच वगैरह जितने भी स्टाफ्स होते हैं उन लोगों का अलग अलग एक रोल रहता है टीम के खेल में। एक मैच के पीछे सिर्फ बैट्समैन बॉलर ही नहीं रहता है, इन सब लोगों की योगदान रहता है। और जो नोटबुक या फिर जो पर्ची में लिखता हुआ रहता है मैदान के बाहर बैठकर बाउंड्री लाइन के पास, उनका लिखना बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा रहता है। जी हाँ, तो जो नोटबुक लेकर बैठे रहते हैं वो कोच भी हो सकता है यानी मेन कोच, कभी कभार टीम मैनेजर भी हो सकता है, कभी कभार अननोन फेस भी हो सकता है। वैसे वहाँ पर होता क्या है, असल में जब एक क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन किया जाता है या फिर कोच जब क्रिकेटर्स की क्लास लेते हैं तो कोच को पता चलता है कि एक क्रिकेटर में वो बैट्समैन भी हो सकता है, बॉलर, फील्डर या फिर विकेट कीपर भी हो सकता है, उनका वीक पॉइंट क्या है, तो वो कोच जो है उसके वीक पॉइंट पे काम करता है। तो अब जब मैच होता है मैच में देखा जाता है कि उसका वीक पॉइंट कैसा चल रहा है, यानी मान लीजिए कोई बॉलर यॉर्कर बॉल करने की कोशिश कर रहा है और उसे ट्रेनिंग भी दिया भी जा रहा है तो मैच में वो यॉर्कर बॉल ठीक तरह से कर पा रही है या फिर नहीं वो देखा जा रहा है। और ये भी हो सकता है कोई बॉलर यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार वो लोअर फुल टॉस हो रहा है, तो ये भी नोट डाउन किया जाता है और बाद में इसके ऊपर वर्कआउट किया जाता है। बैट्समैन बहुत बार देखा जाता है कि बाउंसर मारने में असमर्थ रह रहा है या फिर शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत आ रहे हैं, तो सब ये जो वीक पॉइंट होता है या फिर नेगेटिव पॉइंट होता है बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, विकेट कीपर, ये सब का ही वहाँ पर नोट होता है। कोई बैट्समैन अगर बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन में बहुत अच्छा करता है तो उनका भी नोट डाउन होता है ताकि कोई हाई वोल्टेज मैच में उसे टीम में लिया जा सके या फिर खिलाया जा सके। कोई फील्डर कैच मिस करता है, रन आउट मिस करता है तो उसके लिए क्लास भी लिया जाता है। मान लीजिए कोई फील्डर एक हार्ड कैच मिस करता है ऑन फील्ड में तो उसे बाद में प्रैक्टिस सेशन में 50 से 60 बार वही हार्ड कैच आए उसी तरह हार्ड कैच प्रैक्टिस करवाया जाता है। इसी तरह किसी प्लेयर का अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसे अगले मैच में लिया जाएगा या नहीं वो सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट मैच में कौन टीम से एक्सक्लूड होगा सब कुछ ये सब डिपेंड करता है। आजकल लैपटॉप में भी आप देख सकते हैं टीम का कोच, फील्डिंग कोच या फिर टीम मैनेजर बैठे रहते हैं, तो वो लोग क्या होता है स्ट्रेटेजी जो किया हुआ रहता है वो स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, ओपोनेंट टीम कैसा खेल रहा है उसके ऊपर वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं रियल टाइम स्ट्रेटेजी, और 12th मैन को ग्राउंड में भेजकर इत्तला कर देते हैं कैप्टन को, इस बैट्समैन को ऐसे बॉल खिलाओ, इस बॉलर को अभी लाओ, ये बॉलर अच्छा कर रहा है, ये इस समय पे लाओ, इसे बॉल मत करवाओ, ऐसा कुछ। हाँ, आखिर जो डिसीजन होता है वो कप्तान का ही होता है लेकिन वहाँ से सुझाव भी आता है और जो स्ट्रेटेजी डिस्कशन होता है वो स्ट्रेटेजी फील्ड में दिया जाता है। तो दोस्तों ये सब क्या आपको पता था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और ये भी लिखिए क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।